गुरुत्वाकर्षण भाग चार, द्रव्यमान तथा भार। पिछले वीडियो में हमने मुक्त पतन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम द्रव्यमान यानी मास तथा भार यानी वेट के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान तथा भार को ज्यादातर एक जैसा ही समझा जाता है, लेकिन वे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। याद करो, हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व की माप होता है, और अधिक जड़त्व का मतलब अधिक द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि ये भार से कैसे संबंधित है, लेकिन भार की तरह नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर समान होता है, फिर चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या बाहरी अंतरिक्ष में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थिर होता है और स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। पिछले वीडियो से हम जानते हैं कि पृथ्वी एक निश्चित बल से सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार यही बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इस बल को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण के आधार पर परिभाषित करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहां ये त्वरण गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न त्वरण है, इसलिए हम कह सकते हैं F बराबर M गुना G। भार को W से व्यक्त करते हुए हम पिछले समीकरण को लिख सकते हैं, W बराबर M गुना G। द्रव्यमान और भार किसी वस्तु के दो अलग अलग गुण हैं, और इसलिए उनकी माप के मात्रक भी अलग हैं। जैसा कि किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इसका एसआई मात्रक भी बल की तरह ही है, अर्थात न्यूटन है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। भार वह बल है जो नीचे की ओर लंबवत कार्य करता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि स्थान के अनुसार गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण में भी परिवर्तन होता है। याद करो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ये मानते हुए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भार कहां पर अधिक होगा, उत्तरी ध्रुव पर या विषुवत वृत्त पर? तुम्हारा भार विषुवत वृत्त की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव पर अधिक होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों में अंतर अपेक्षाकृत काफी कम होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार किस प्रकार बदलता है। तुम्हें क्या लगता है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किस प्रकार परिवर्तित होगा? क्या पृथ्वी पर इसके भार की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार बढ़ेगा या घटेगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे चंद्रमा वस्तु को आकर्षित करती है। अब चंद्रमा पर लगने वाले इस बल को निकालते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार wm है। माना कि चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल mm है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आरएम है।
हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा कैपिटल R स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के प्रयोग से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होगा Wm बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल mm गुना स्मॉल m बटा कैपिटल Rm स्क्वायर। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हम जानते हैं कि स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर और W बराबर स्मॉल m गुणा स्मॉल g। पिछले दोनों समीकरणों की तुलना से हमें मिलता है We बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा कैपिटल R स्क्वायर। इस तालिका पर एक नजर डालते हैं जिससे हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब तालिका से पिछले समीकरणों में मान रखने पर हमें मिलता है Wm बराबर 2.431 गुना 10 की घात 10 गुना कैपिटल G गुना स्मॉल m, We बराबर 1.474 गुना 10 की घात 11 गुना कैपिटल G गुना स्मॉल m। अब पिछले समीकरणों को भाग देने पर हमें मिलता है Wm बटा We बराबर 2.431 गुना 10 की घात 10 बटा 1.474 गुना 10 की घात 11 या Wm बटा We बराबर 0.165 यानी लगभग 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुना वस्तु का पृथ्वी पर भार। चंद्रमा पर तुम्हारा भार क्या होगा? अब एक प्रश्न को साथ मिलकर हल करते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 50 न्यूटन है, पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना होगा? गणना के लिए इस वीडियो को रोक लो। चंद्रमा पर वस्तु का भार बटा पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 1/6। पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना 50 न्यूटन बराबर 300 न्यूटन। इस वीडियो में हमने द्रव्यमान यानी मास तथा भार यानी वेट के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम प्रणोद तथा दाब के बारे में जानेंगे।